हाँ जी कल जमीन जो सरदार भगवंत सिंह मान जी का जो दिशा निर्देश उन्होंने तहत ही पिछली बार जमीन छड़ी उन्होंने तहत ही होना सी और 176 किले जमीन सी और करीब बाजारी कीमत जी 264 करोड़ रुपया इदा ही अज भी साड़िया टीम पंजाब सारे कब्जे लैन गई असी लगातार अंदर कर रहे देखो मेरी गल सुनो मीडिया वाले बार बार जमीन की जी कब्जा लेना जी कानूनी करके तुम एदा कब्जा नहीं लै सकते सब पता भी है कि पंजाब भवन या कोई बिल्डिंग यह गल सुन रही पर यदि तू कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सो असी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं सारिया थावान से सब पता है कितने कितने पहले साथ ही जो जो कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती त्यों त्यों आप मतलब जो कब्जा ले जाते पर अभी बिना कानून तो गैर कानूनी काम कोई नहीं पंजाब का मान साहब की हदायत है धक्के का कोई नहीं करना गैर कानूनी काम कोई नहीं करना सो जी जी जमीन की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है वह अभी कब्जा होगी होगी हर एक रावी दरिया के कंडे तो लैके भारत सब जिथे भी किसी ने जमीन दबी सब जमीन छड़ा कोई विरोध नहीं हो रहा देखो माड़ा पल्ला विरोध होंगे ही पर बह के समझा लीजा सब नहीं फायदा ऐसा कर लो पिछली बार भी सानू कितने भी मतलब शक्ति की वरतों नहीं करनी पी तो ऐतका भी मैं लगता नहीं महाराज कृपा ही करूंगा क्योंकि मान साहब की अपील ना पिछली बार 3300 एकड़ जमीन छुट गई थी ऐतका भी मैं लगता कि काफ़ी जमीन जी है मान साहब की अपील ना पूरे 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 पंजाब से तुम कोई और मुद्दा है कोई मुद्दा है तेरे को कुछ किसान जथेबंदियों दो ढाई महीने बाद मीटिंग करते रहने जेड़े जेड़े मुद्दे सारे हल कर रहे किसान जथेबंदियां अज सवेरे मैनूं मिलियां फगवाड़े वालियां उत्थे सैक्रेटरीट च मीटिंग उन्हां नाल मीटिंग करके हुण डल्लेवाल साहब ते दूजियां जथेबंदियां आईयां जेडे देखो अही चाहते हैं कि जिन्हें भी किसानों के मतलब जेडे मुद्दे आ सहजे सहजे मान सरकार सारे हल कर दें समझते कि नहीं गल वो हर मीटिंग अही कोई ना कोई जो चीज़ा तय करी जाने सो अज भी आए हैं हुणे ही आप बैठते हैं घंटा लगेगा तो वह आप मतलब करके तो सहज सहजे इदा का माहौल सिज देंगे कि किसी धरने बजारे की लड़ ना पाए हाँ जी बिल्कुल आप छ कल सरपंच सरपंचानी पिंड की सरपंचानी सी पिंड की सरपंचानी कल गुरिंदरजीत कौर जी सी वो आप पंचायत सारी वो पिंड लैके आए आप जमीन देने वास्ते और बड़ा पॉजिटिव मंगाला पंजाब सर कोई जमीन असी अपने घर ही थोड़ी खड़ दी है पंजाब सरकार को जमीन दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री ने अपने घर खड़नी ना मैं ही खड़नी असी पंजाब का फायदा कर रहे हैं 75 साल लोगों ने जमीन दबिया पहलिया सरकार ने नहीं छड़ाइया पहली बार पंजाब के इतिहास हो रहा कि जिहड़ियां जमीन लोगों ने दबिया उन्होंने ही छड़ा रहे और बाबा महाराज सच्चे पातशाह बाबा जी कृपा करेंगे यह 11 एकड़ जमीन है पंजाब की अरबां रुपये की जमीन है जी तुम छड़ा के देंगे देखी जाओ हाँ अज सवेरे NRI डिपार्टमेंट के मतलब अफसर भी जो सदे प्रिंसीपल सैकटरी NRI के ADGP स्पैशल सैकटरी सारे सदे थे और जेडे पंजाब आईलैट सेंटर जो चलते हैं गैर कानूनी जिन्ना को है नहीं वह भी क्या भी इन्हों चेक करो और जेडे ट्रैवल एजेंट जेडे मनुखी समगलिंग लगे है हमने तुम देखा होना मस्कट के साडिया धियां भैन जीडिया वह बड़ी मुश्किल साढ़े राज्यसभा के मैंबर सानी साहब ने कल भी बुलाइया सिचेवाल साहब ने काफ़ी कोशिश की है मैं भी वो काफ़ी पैरवाई की है असं चाहते हैं कि जेडे
पैदल एजेंट तुरे फिरदे आ पिंडां दे चाहो जी तुहानू दुबई लै जांदे आ तुहानू इधर लै जांदे तुहानू उधर लै जांदे इन्हां ते जिहड़ी नत्थ पाई जावे ते मैं सवेरे अफसरां नूं हिदायत कीती आ कि जिहड़े इदां दे ट्रैवल एजेंट आ जिहड़े मनुखी समगलिंग जिहड़ी करन ते लगे आ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਲੈਂਡਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਦਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਸਮਝਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ 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 ਤਾਂਤਰਿਕ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਾਂਤਰਿਕ ਮੀਆਂ ਜੁਨੇਸ ਖਾਨ 9159868628 ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸਮਰਟ ਕਰਨੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਬਨ ਤਲਾਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੋਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਕਲਿਸ਼ ਜੋਤਿਸ਼ ਤਾਂਤਰਿਕਾ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿਲੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਜੁਨੇਸ ਖਾਨ 9159868628 9159868628